चांद पर उतरने से पहले भारत ने कर दिया सूरज पर बड़ा धमाका। नासा को लगा धक्का, रूस के उड़े पर खच्चे। अचानक इसरो ने चंद्रयान 3 के इंजन को 18 मिनट के लिए क्यों स्टार्ट कर दिया? क्या अब लैंडिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? लैंडिंग की तैयारी में जुटा भारत का चंद्रयान 3, रूस के लूना 25 का कोई अता पता नहीं चल रहा। 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पार करके सूरज के नजदीक पहुंचा भारत। अब जाकर चीन ने देखी है मोदी की असली ताकत। इसरो की इस उपलब्धि के बाद नासा भी झुक कर करेगा सलाम। चीन बन जाएगा भारत का गुलाम। चांद के बाद सूरज पर ग्रहण लगाने पहुंचा भारत। बुर्ज खलीफा पर अपना झंडा ढूंढता रह गया पाकिस्तान। भारत के सूर्य यान आदित्य L1 ने सूरज की दुनिया में मचाया बवंडर। नासा का गुरूर ध्वस्त, चीन हुआ चारों खाने चित। बस कुछ किलोमीटर की है दूरी, भारत को बादशाह मानना हर देश की होगी मजबूरी। दोस्तों, भारत एक भयानक मिशन को अंजाम देने वाला है। मैं चंद्रयान 4 की बात नहीं कर रहा हूं। असल में अभी भारत के इसरो की तरफ से एक अचानक खुलासा कर दिया गया, जिसको सुनने के बाद दुनिया हैरान हो चुकी है। भारत अब चांद को छोड़कर सूरज की तरफ बढ़ने जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। अब भारत का अगला टारगेट सूरज को आंखें दिखाना होगा। इस कड़ी में जो इसरो की तरफ से बड़े कदम उठा लिए गए, उसके बाद पूरी दुनिया हैरान दिखाई दे रही है। जिस तरीके से अभी पूरी दुनिया की नजर भारत के चंद्रयान 3 पर टिकी हुई थी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारत ने अपने सूर्य यान की घोषणा करके पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। तो चलिए जानते हैं पूरी बात को डिटेल में और बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, अभी भारत का चंद्रयान 3 चांद पर पहुंचा भी नहीं, लेकिन उससे पहले खबर निकल कर आ रही है कि भारत के इसरो की तरफ से अब सूरज पर पहुंचने की तैयारी कर ली गई। जी हां दोस्तों, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। खबर निकल कर आ रही है कि अब इसरो सूरज के ऊपर धावा बोलने वाला है। इस खबर के आने के बाद नासा जैसी स्पेस एजेंसी अपना सर पकड़ कर बैठ गई। जिस तरीके से लगातार भारत की तरफ से एक से बढ़कर एक मिशन को अंजाम दिया जा रहा है, उसको देखते हुए नासा के ऊपर मंडराने लगा है काला साया। नासा को ये डर सता रहा होगा कि कहीं आने वाले समय में दुनिया के नंबर 1 स्पेस एजेंसी नासा का ये अधिकार भारत का इसरो उससे छीन ना ले। दोस्तों, जैसा कि हम और आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि भारत का चंद्रयान चांद पर 23 अगस्त को पहुंचने वाला है, लेकिन उससे पहले भारत ने तैयारी कर ली है सूरज की भी। चांद के बारे में तो पता चलेगा, लेकिन सूरज पर भी अगला यान भारत की तरफ से भेजने की तैयारी कर ली गई है। दोस्तों, खबर निकल कर आ रही है कि भारत की तरफ से सूर्य यान बना लिया गया है। इसके बारे में खबर निकल कर आ रही है कि यहाँ पर ये सूरज के करीब जाएगा और सूरज के बारे में एक से बढ़कर एक जानकारी निकाल कर भारत की स्पेस एजेंसी तक पहुंचाने वाला है। दोस्तों, ये मिशन आसान नहीं होने वाला है। जिस तरीके से पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी 15 करोड़ किलोमीटर है, और इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारत का जो सूर्य यान है ये 15 लाख किलोमीटर दूर जाएगा और जाकर वहीं पर रुक जाएगा। अब यहाँ पर आपके मन में सवाल निकल कर आ रहा होगा कि आखिर सूर्य यान सूरज से क्या जानकारी निकालने वाला है। तो दोस्तों, भारत की तरफ से सूरज का अध्ययन करने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजा जाएगा, जिसके माध्यम से भारत सूर्य का अध्ययन करेगा। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम है आदित्य L1। और आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आदित्य L1 बेंगलुरु के सैटेलाइट सेंटर में बनाया गया है और सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा भेजा गया। श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 को भी लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर अगर और जानने की कोशिश करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसको भी श्रीहरिकोटा से ही लॉन्च किया जाएगा, जैसे भारत का चंद्रयान 3 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। इसको लेकर जो जानकारी निकल कर सामने आ रही है, उसको सुनने के बाद भारतवासी खुश नजर आ रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर की सभी स्पेस एजेंसी अपने अपने सर पकड़ कर बैठ गई, क्योंकि ये खबर बहुत बड़ी है। एक तरफ तो अभी भारत का चंद्रयान पूरी दुनिया में धूम मचा ही रहा था कि वहीं भारत की इस घोषणा से पूरी दुनिया में भारत ने तहलका मचा दिया। अमेरिका, रूस, जापान जैसे देश भारत के कारनामे को खाली बैठकर हैरानी के साथ देख रहे हैं। इसरो की तरफ से खबर दी गई है कि इसरो इसे अगले महीने लॉन्च करने की पूरी तैयारी कर रहा है। इस स्पेसक्राफ्ट को PSLV रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा। इसको लेकर ये भी बता दिया गया कि इसको 15 लाख किलोमीटर दूर जाना है और वहीं से सूर्य का अध्ययन करना है, और बताया जा रहा है कि इस दूरी को कवर करने में इसे 4 महीने का समय लग जाएगा और उसके बाद ये लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंच जाएगा। लैग्रेंज पॉइंट असल में वो जगह है जिस जगह से ये सूर्य का अध्ययन करेगा। इसे अगर और आसान भाषा में कहा जाए तो धरती और सूर्य के बीच एक ऐसी जगह है जिस जगह पर ग्रेविटी नाम की होती है। इसी के चलते हुए यहाँ पर अपने यान की सहायता से सूर्य का मिशन किया जा रहा है। यहाँ पर सभी चीजें स्थिर रहती हैं। इसी के चलते हुए भारत के इसरो ने अपने यान को यहाँ पर भेजने का फैसला किया और यहीं से सूरज की सारी जानकारी इसरो तक ये यान पहुंचाएगा। इसके अलावा इसे अंतरिक्ष का पार्किंग स्पेस भी कहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जिस जगह पर इसरो अपने सूर्य यान को ले जाने वाला है, उस जगह पर ग्रहण का भी असर नहीं पड़ता और इसी जगह पर सारी दुनिया के सैटेलाइट भी मौजूद होते हैं। इसको लेकर बताया जा रहा है कि भारत का अगला मिशन सूर्य यान 7 पेलोड लेकर जाने वाला है,
जिसके माध्यम से ये स्टडी करेगा। इसको लेकर बताया जा रहा है कि ये वहां जाने के बाद सूरज के चारों तरफ के मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेगा। सूरज में मौजूद हवाओं के कण और मैग्नेटिक फील्ड की जानकारी होगी। पेलोड में लगा वैज्ञानिक कैमरा सूरज की HD तस्वीरें लेगा। सूरज की स्टडी करने वाला ये भारत का पहला मिशन है। एजेंसी नासा ने सबसे ज्यादा 14 सोलर मिशन किए और अब इसरो भी इस क्षेत्र में इतिहास रचने को तैयार है। इसके अलावा आपकी जानकारी के लिए ये भी बताते चलें कि चंद्रयान मिशन लगातार सफलतापूर्वक आगे बढ़ रहा है। इसरो की तरफ से जानकारी दी गई है कि चंद्रयान 3 अपने एक ऑर्बिट को और कम कर चुका है और ये चांद के नजदीक हो चुका है। लैंडर लगभग 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रमा की सतह तक जाने के लिए अपने थ्रस्टर का इस्तेमाल करता है। इसकी सुरक्षित लैंडिंग के लिए सटीक नियंत्रण और नेविगेशन की जरूरत होती है। इसरो चीफ एस सोमनाथ का कहना है कि चंद्र मिशन चंद्रयान 3 का लैंडर विक्रम 23 अगस्त में चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर इसका इंजन फेल भी हो जाता है तो ऐसी स्थिति में भी चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग होगी। इसरो चीफ का कहना है कि भले ही सभी सेंसर और 2 इंजन काम करने में विफल हो जाएं, फिर भी सॉफ्ट लैंडिंग सुनिश्चित की जाएगी। इसरो टीम के सामने सबसे बड़ी चुनौती विक्रम को चंद्रमा की सतह पर उतारना है। आपको साथ ही साथ ये भी याद दिलाते हैं कि मिशन चंद्रयान 3 14 जुलाई को शुरू हुआ, 5 अगस्त को चंद्र कक्षा में एंट्री की, इसके बाद 9 अगस्त, 14 अगस्त और 16 अगस्त को ऑर्बिट चेंज किया गया। ऐसा इसे चंद्रमा के करीब लाने के लिए किया जाएगा ताकि ये 23 अगस्त को चंद्रमा की सतह पर उतर सके। दोस्तों, इसरो के वैज्ञानिकों ने 18 मिनट के लिए चंद्रयान के इंजन को फिर स्टार्ट किया और फिर चंद्रयान को अब चांद की चौथी कक्षा में पहुंचा दिया गया, यानी चंद्रयान की चांद से दूरी सिर्फ 150 किलोमीटर बची है। दोस्तों, 23 अगस्त वाले दिन पूरे देश का दिल जोर जोर से धड़कने लगेगा, क्योंकि ये वही समय होगा जब पूरी दुनिया की नजर भारत के ऊपर टिकी होगी और भारत की नजर चंद्रमा के ऊपर टिकी होगी। उस दिन हर भारतवासी चिंतित दिखाई देगा जब तक कि भारत का चंद्रयान 3 चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर लेता। वैसे आपको क्या लगता है, जून 25 से पहले भारत के चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग हो पाएगी या नहीं? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखकर बताएं। जय हिंद, जय भारत।